أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। या अहलुल कुरान, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत से हैं और ईमान के बेहतरीन दर्जों पर हैं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इंशाअल्लाह देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दी मद रूलिंग। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मद के टू कैटेगरीज में मदुल असली को कम्प्लीट कर लिया है और मदुल फ़रई के अंदर हमने बहुत सारे मद को कम्प्लीट कर लिया है जिनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला जो है मद ड्यू टू हमज़ा है, जिसके अंदर हमने वाजिब मुत्तसिल, मुनफसिल और मद सिला कुबरा को कम्प्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मद ड्यू टू सुकून आरिद यानी टेम्पररी सुकून, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है मदुल आरिद सुकून को और मद अलीन को, राइट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह हम जो है देखते हैं दी मद ड्यू टू परमानेंट सुकून या नेचुरल सुकून से जो मद अदा होगा। साकिन जो है वो नेचुरल होना चाहिए, उससे हम इंशाअल्लाह आज जो मद होगा वो मद लाजिम का होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फाइन, बुक एंड पेन रेडी रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आएंगी इंशाअल्लाह, तो ज़रूर जो है अच्छे से लिखें ताकि बहुत अच्छे से जब आप लिखेंगी तभी आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी इंशाअल्लाह। ओके, मद अल लाजिम, लाजिम किसे कहते हैं? लाजिम यानी कंपलसरी को, राइट। लाजिम हमें उर्दू में भी हम लाजिम को लाजिम ही कहते हैं, यानी ये मद को अदा करना लाजिम है, कंपलसरी है, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये मद कब होता है? वैसे भी हमने जो भी मद सीखे हैं मद फ़रई में, हमने क्या देखा कि हमेशा मद असली जो है वही डिवाइड हो रहा है मद फ़रई में। तो यहाँ पर भी मद असली के अंदर जो आता है हरूफ अल मद या अलिफ वाव या सगीरा, ये भी मद असली में आते हैं। तो मद असली या मद तबीई के बाद जब जो भी लेटर आए उस पे सुकून असली हो या नेचुरल साकिन हो तो हम उसको मद लाजिम अदा करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको उसको हम छः हरका लंबा करके पढ़ेंगे। हाउ मैनी काउंट स्ट्रेच? सिक्स काउंट स्ट्रेच, यानी अपनी मुट्ठी को बंद करें और छः उंगलियों को एक के बाद एक ओपन करें या सिक्स तक काउंट करें, या जो है अप्रॉक्सीमेट टाइम 3 सेकेंड्स का होगा, 3 सेकेंड्स के लिए हम इस मद को स्ट्रेच करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दोबारा से रिपीट करूँगी, मद अल लाजिम यानी कंपलसरी, मैंडेटरी, हमें इसको ज़रूर अदा करना होगा। और ये कब होता है? मद तबीई यानी हुरूफ मद के बाद का लेटर पे असली साकिन हो, वो साकिन वक्फ की वजह से नहीं बल्कि चाहे हम वक्फ करें, चाहे हम स्टॉप करें या चाहे हम कंटिन्यू करें, वो लेटर पे साकिन होना चाहिए, सुकून असली होना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर वो होगा तो ये मद जो है वो अदा होगा। ओके, सुकून असली जो है वो दो तरीक़ों में आता है। तजवीद के रूलिंग्स अगर आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि सुकून एक तो सुकून की तरह ही होता है जो आपको लेटर्स के ऊपर दिखेगा, एक और सुकून होता है जो एक तजवीद की रूलिंग हमने सीखी है, जब भी वो साइन कोई लेटर्स के ऊपर हो तो उसके अंदर 2 लेटर्स होते हैं, पहला साकिन होता है दूसरा मुतहरिक होता है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन सा रूलिंग है जिसके अंदर? जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकिल्लाहु फीक। वो शद्दा होता है, वो तजदीद होता है जिसके अंदर सुकून असली के साथ साथ एक मुतहर्रिक लेटर भी होता है, राइट। तो यहाँ जो हम सुकून असली देख रहे हैं वो क्या है कि जैसे ही हरूफ मद या मद असली आ जाए उसके बाद के लेटर पे या तो मुशद्दद होगा, जो हर हाल में होता है ना, मुशद्दद को हम चाहे वक्फ करें चाहे वसल करें, वसल यानी मिला कर पढ़ें, हम उसको नहीं निकालेंगे, मुशद्दद का निकालना या लगाना लहन अल जली है। और दूसरा क्या हमने देखा कि साकिन, साकिन पर हम साकिन को मुतहरिक में बदलना, मुतहरिक को साकिन में बदलना भी लहन जली है। तो जो है वक्फ के दौरान हम साकिन में बदल सकते हैं लेकिन वो मदुल आरिद सुकून में जाएगा, ये जो साकिन है जो परमानेंट सुकून रहता है हम उसको किसी में भी नहीं बदल सकते। जो साकिन होता है असली होता है वो चाहे हम वक्फ करें,
हम उस पे साकिन ही पढ़ेंगे, चाहे उसको मिलाकर पढ़ें फिर भी उसको साकिन ही पढ़ेंगे। ये दो जगह जो है एक शद्दा में और एक साकिन जो है साकिन ही रहता है लेटर्स पे जिस पर हम मद लाजिम अदा करेंगे। तो हम देखते हैं कि मद लाजिम के कितने कैटेगरीज हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपने सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो अब हम देखते हैं पहला मद अल लाजिम के टू मेन टाइप्स हैं। ओके, टू मेन टाइप्स। पहला है मद अल लाजिम कलीमी। कलीमी किसे कहते हैं? कलमा को। अरबिक के अंदर जो बामाना लफ्ज़ होता है, द मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड एज कलीमा इन अरबिक। बामाना लफ्ज को अरबिक में कलीमा कहते हैं। तो लफ्ज के अंदर जब भी इस तरह हो जाए कि मद असली के बाद जो है परमानेंट सुकून आ जाए तो हम उसको मद अल लाजिम कलीमी कहते हैं। कलीमी, कलमा से याद रख ले, कलीमी इज नथिंग बट अ मीनिंगफुल वर्ड। और एक होता है मद अल लाजिम हर्फी। हर्फ के अंदर जो है मद लाजिम अदा होता है, वो क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम कलीमी को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हुर्फ के अंदर मद लाजिम किस तरह अदा होगा, विल सी दैट लेटर इंशाल्लाह। मद लाजिम कलीमी, ये दोनों मद लाजिम कलीमी और मद लाजिम हर्फी और डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। दोनों के देखें टाइप सेम है, हम बुलाएंगे कि हम उसको किस तरह बोलेंगे, मद अल लाजिम कलीमी मुसक्कल, मद लाजिम कलीमी मुखफ्फ, मद लाजिम हर्फी मुसक्कल, मद लाजिम हर्फी मुखफ्फ। मुसक्कल का मतलब क्या है? भारी। हैवीनेस को मुसक्कल कहते हैं अरबिक में, मुसक्कल यानी भारी। भारी किस वजह से हो रहा है? हमारे पास ऑप्शंस दो ही हैं, एक है साकिन और एक है तजदीद, ये दोनों में ही मद लाजिम होता है, राइट। तो भारी ऑब्वियसली किस में होगा? तजदीद में होगा, क्योंकि वहाँ कितने लेटर्स होते हैं? टू लेटर्स, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। तो जब भी हम मद लाजिम को अदा करेंगे अगर नून या मीम आ जाए तो हम गुन्ना करके अदा करेंगे तो वो भारी हो रहा है ना। अगर कोई और लेटर्स आ जाएं तो हम वहाँ पर उसको जो है डबल टाइप यानी तजदीद के साथ अदा करेंगे, जिसकी वजह से शिद्दत के साथ स्ट्रेस के साथ ज़ोर दे के अदा करेंगे तो वो भारी हो रहा है। मुसक्कल का मतलब है भारी, जो जिसको हम कहेंगे मद अल लाजिम कलीमी मुसक्कल, फाइन, मद अल लाजिम कलीमी मुसक्कल। और एक है मुखफ्फ। मुखफ्फ यानी लाइट, हल्के को कहते हैं। ऑब्वियसली किस में होगा? साकिन में होगा। जब साकिन आ जाए तो मद अल लाजिम कलीमी मुखफ्फ होगा। सेम थिंग इसी तरह हर्फी में भी आता है, मद अल लाजिम हर्फी मुसक्कल एंड मुखफ्फ। ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम कलीमी को कंप्लीट कर लेंगे जो बहुत ही आसान है, जो हम सब अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कलीमी के अंदर पहला क्या था? मुसक्कल यानी मुशद्दद। जब भी हरूफ मद के बाद या हरूफ मद यानी मद असली के बाद के लेटर पे तजदीद आ जाए तो हम मद लाजिम को अदा करेंगे, चाहे वसल में हो, चाहे जो है वसल में हो या वक्फ में हो। वसल यानी मिलाकर पढ़ने में, मिलाकर पढ़ें या स्टॉप करें, लेकिन वो लेटर जिस पे हम स्टॉप कर रहे हैं उस पे अगर तजदीद हो और उससे पहले का लेटर अगर जो है वो मद असली हो तो हम उस पे ज़रूर मद लाजिम को अप्लाई करेंगे। छः से सात हरका लंबा इसकी मकदार होती है, हम एटलीस्ट 6 हरका लंबा करके इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसको हम मदुल लाजिम कलीमी मुसक्कल कहेंगे। लेकिन अगर वही मद लाजिम कलीमी मुखफ्फ में क्या होता है कि हरूफ मद के बाद अगर जो लेटर है उस पे अगर साकिन आ जाए तो हम उसको मद लाजिम कलीमी मुखफ्फ कहते हैं, और यहाँ हमज़ा डिपेंड नहीं करता। ओके, अगर कोई वर्ड आ रहा हो और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक लेटर जी, अगर हमने लिया हमज़ा विद फतहा, उसके बाद एक हरूफ मद और उसके बाद अगर हमज़ा भी आए और उस पे सुकून आ जाए तो हम इसको 6 हरका लंबा ही करेंगे। अगर उस पे मुशद्दद आ जाए, मुशद्दद आ जाए और उस पे फतहा भी हो तो हम उसको इस हमज़ा को 6 हरका लंबा ही करके अदा करेंगे। अगर वक्फ करना है तो इस हमज़ा पे साकिन लगाएंगे, लेकिन जो तजदीद को फॉलो करना है ना झटका देकर वो ज़रूर हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। यानी हमज़ा डिपेंड नहीं करता, चाहे हम हमज़ा भी आ जाए या कोई भी लेटर आ जाए,
हम उस पे साकिन है या मुशद्दद है ये देखेंगे. बिकॉज दिस मद इज़ नॉट ड्यू टू हमजा, दिस मद इज़ ड्यू टू परमानेंट सुकून. तो इसलिए जैसे ही मद असली आए उसके बाद का लेटर पे साकिन है या तशदीद है वो देखेंगे, हम कौन सा लेटर है वो नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह. फाइन, तो अब हम कुछ वर्ड से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह कि किस तरह हम मद लाजिम को अदा करते हैं इंशाअल्लाह. सिक्स हरका लंबा ज़रूर करेंगे. ओके, अपने माइक्स को अनम्यूट करें. غير المغضوب عليهم ولا الضالين जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकिल्लाह फीक. क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, दौद को छः हरका लंबा कर रहे हैं और यहाँ लाम पे हम क्या कर रहे थे कि थोड़ा तजदीद दे रहे थे. फॉर एग्जांपल, वलद्दालीन, लाम मुशद्दद की टाइमिंग ज़रूर देंगे हम इसको. वलद्दालीन, दालीन नहीं पढ़ेंगे, दालीन. लाम मुशद्दद जो है उस पे तजदीद को अप्लाई करना ना भूलें इंशाअल्लाह. ओके, तो अब दोबारा से इस आयत को मैं पढ़ूंगी, उसके बाद ही आप रिपीट करें इंशाअल्लाह. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकिल्लाह फीक. आप सबने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और यहाँ हम लगा रहे थे मदुल आरिद लि सुकून, जिसको चार हरका लंबा कर रहे थे, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आया है जीम के ऊपर फतह है जिसके बाद अलिफ है, यानी मद असली हो रहा है, लेकिन मद असली यानी मद तबीई के बाद आ गया नून जिसपे मुशद्दद है. तो यहाँ पर हम ज़रूर इस जीम को छः हरका लंबा करेंगे और इस नून पर गुन्ना करेंगे, इसलिए इसको हम मुसक्कल कहते हैं. तजदीद की रूलिंग अप्लाई ज़रूर होगी इंशाअल्लाह. नून पे दो हरका लंबा गुन्ना करें, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेटर को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकिल्लाह फीक. यहाँ पर देखिए हम गुन्ना के लेटर्स ज़्यादा आए हैं, कहाँ कहाँ अदा कर रहे हैं. यहाँ पर मद लाजिम के बाद नून, यहाँ पर ज़रूर गुन्ना करेंगे. दो हरका लंबा, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद मीम आए तो क्या करते हैं, यरमलून में से एक लेटर है जी, मालगुन्ना, इदगाम मालगुन्ना करेंगे. तनवीन के बाद मीम आया है तो क्या करेंगे, जी माशाल्लाह. नून साकिन के बाद नून आया है तो यहाँ पर भी जी मालगुन्ना होगा. तो तीनों जगह, चार जगह शायद, 1, 2, 3 and 4, यहाँ नून, यहाँ पर भी 4 जगह गुन्ना करेंगे. दोबारा से पढ़ें. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकिल्लाह फीक. अगर आपको यहाँ देखें नून, अगर हम यहाँ नून पर स्टॉप करना है तो मैं एक बार बता दूंगी, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी जो है वक्फ में मद लाजिम को हम नहीं सीखेंगे, तो मैं इस एग्जांपल सबको बता दूंगी. देखिए नून पे है मुशद्दद, उसके बाद है फतहा, राइट. अगर हम इस पे साकिन भी लगाएं तो ये मदुल आरिद लि सुकून नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तजदीद है ना उस पे. तो हम इसको पढ़ेंगे वखलकल जान, देखिए नून को हम क्या कर रहे हैं, गुन्ना दे रहे हैं. वखलकल जान, इस तरह हम स्टॉप करेंगे, फाइन, लेकिन मुसक्कल को ज़रूर अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह. नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहाँ हा के ऊपर ये स्लाइड, ये 8 स्लाइड बाद में रिकॉर्ड करके ग्रुप में रख सकते हैं क्या? जी सिस्टर, इंशाअल्लाह.
ओके जी, यहाँ देखें है के ऊपर है स्टैंडिंग फतहा यानी अलिफ सगीरा जो मद असली है, जिसके बाद दौद आया है जिस पे है तजदीद, तो मद लाजिम कलिमी मुसक्कल होगा। सिक्स हरका लंबा ज़रूर करें और इस दौद पे हम तजदीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सब रिपीट करें वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन जी माशाल्लाह एक्सेलेंट बारकिल्लाहु फीक। हम नेक्स्ट देखते हैं वस्साफ़ाति सफ़ा। जी हम यहाँ कौन सी रूलिंग अप्लाई कर रहे हैं, तनवीन है फा के ऊपर, फतहतान है, मदुल उवद माशाल्लाह एक्सेलेंट जी बारक माशाल्लाह एक्सेलेंट बारक अल्लाह फीक। हम दोहर का लंबा करेंगे, अब इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कौफ को हम जरूर हैवीनेस के साथ पढ़ेंगे जी। कौफ के बाद आया है ताए मरबूता गोल ता है, इसको हा में कन्वर्ट करेंगे ना, जी माशाल्लाह एक्सेलेंट बारकिल्लाहु फीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देख लिया है कि मद लाज़िम कलिमी मुसक्कल को किस तरह पढ़ते हैं, हुरूफ मद या मद असली के बाद जब आता है तजदीद तो हम मद लाज़िम कलिमी मुसक्कल को अदा करेंगे, इसी तरह हुरूफ मद और मद असली के बाद जब आता है साकिन तो हम अदा करते हैं मद लाज़िम कलिमी मुखफ़फ़। छः हरका लंबा करेंगे, हल्का है ये इसलिए इसका नाम मुखफ़फ़ है, यहाँ पे कोई तजदीद नहीं, साकिन होता है। और कुरान के अंदर मद लाज़िम कलिमी मुखफ़फ़ पूरे कुरान में सिर्फ एक ही वर्ड है जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 51 और आयत नंबर 91 में आता है। पूरे कुरान में एक ही वर्ड है जो दो मरतबा आया है सूरह यूनुस की आयत नंबर 51 और आयत नंबर 91 में। इस एक ही वर्ड को हम इंशाअल्लाह मद लाज़िम कलिमी मुखफ़फ़ में पढ़ते हैं। ओके मैं एक बार इस आयत को पढ़ूंगी, ये एक ही वर्ड हमें सीखना था, जैसे कि दो ही आया है, एक ही आया है और दो जगह, तो इसलिए मैंने टू आयाज भी हैं इंक्लूड किए हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे दूसरी रूलिंग्स जो भी हैं वो भी हम इंशाल्लाह सीख सकते हैं। यहाँ पर बताएं कि तो आया है, तो मतलब हम स्टॉप कर सकते हैं, तो यह क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या है ये हा, कौन सा हा है, जी माशाल्लाह सिला सुगरा है, छोटे को सुगरा कहते हैं जी, मदल सिला सुगरा है, जिसको हम स्टॉप करेंगे ना, स्टॉप करेंगे तो क्या लगाएंगे, साकिन लगा कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, आप रिपीट करें अज़ुम्मा इज़ा मा वक़अ आमंतुम बिह قد كنتم به تستعجلون जी अब इसको देखते हैं आयत नंबर 91 सूरह यूनुस की الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جی الحمدللہ بارک اللہ فیك ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے مد لازم कलीमी मुखफ़फ़ को। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं और मुसक्कल को भी अल्हम्दुलिल्लाह मद लाज़िम कलीमी को हमने कंप्लीट कर लिया, अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकती हैं इंशाअल्लाह। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी, मद लाज़िम कलीमी को कलीमी यानी वर्ड को कहते हैं, बामाना जो लफ्ज़ होता है कुरान में उसको हम अरबिक में कलमा कहते हैं, कलमा
यानी वर्ड, अगर वर्ड के अंदर मद लाजिम हो तो हम उसको मद लाजिम कलिमी कहते हैं। साकिन असली होना चाहिए तभी ये मद अदा होता है। जो सुकून असली है वो कितने में आता है, एक तो साकिन ही होता है और एक हमने देखा था कि एक मुशद्दद लेटर पर एक फर्स्ट साकिन लेटर होता है उसके बाद मुतहरिक होता है। तो इस वजह से मद लाजिम कलिमी के अंदर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है मुसक्कल यानी भारी जो मुशद्दद की वजह से भारी होगा और एक होता है मुखफ्फफ यानी लाइट जो साकिन की वजह से लाइट होगा। इसलिए हम इसको मद लाजिम कलिमी मुसक्कल मद लाजिम कलिमी मुखफ्फफ कहते हैं। ओके, मुसक्कल मुखफ्फफ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज ये बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि कुरान में मुखफ्फफ यानी तजदीद वाले तो बहुत सारे आपको लफ्ज़ मिलेंगे लेकिन साकिन वाला कुरान में सिर्फ एक ही लफ्ज़ है और उसको दो बार कुरान में आया है सूरह यूनुस में। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने देख लिया है कि मद लाजिम को किस तरह 6 हरका लंबा करके पढ़ेंगे, लाजिम होने की वजह से ज़रूर 6 हरका लंबा करना कंपलसरी है। फाइन, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें इंशाल्लाह। इसके बाद हम हरफी को देखेंगे जो बहुत ही आसान है। एनी क्वेश्चंस इन कलीमी? जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا।